दोस्तों, मैं मधुरानी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्दी ट्रिप में। आज हम जानेंगे महिलाओं को होने वाले एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है यूरिन इन्फेक्शन। आज के समय में 50% महिलाएं इस प्रॉब्लम से ग्रसित है। आजकल यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत हर किसी को होती है, लेकिन यह परेशानी महिलाओं को ज्यादा देखने को मिलती है। टीन एज के बाद ही लड़कियों में यूरिन इन्फेक्शन का खतरा देखने को मिलता है। UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यह एक ऐसा इन्फेक्शन है जो यूरिन सिस्टम के किसी भी भाग पर हो सकता है, जैसे कि किडनी, ब्लैडर, गर्भाशय आदि। अभी के समय में लगभग 50% महिलाओं को कभी न कभी यूरिन इन्फेक्शन की समस्या जरूर होती है। इसीलिए महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन के कारण, लक्षण एवं बचाव को जानने की बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या होता है यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन यूरिनरी कार्ड में होने वाले संक्रमण के कारण होता है, जिसे UTI भी कहा जाता है। यह यूरिन सिस्टम के किसी भी भाग या नली में बैक्टीरिया से संक्रमित होने पर UTI होता है। यह बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट के जरिए शरीर में घुसकर ब्लैडर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। इसके संक्रमण का मुख्य कारण इकोलाई बैक्टीरिया होता है। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं को किस कारण से होता है यूरिन इन्फेक्शन, इसके कारण आखिर क्या है। जो महिलाएं बहुत ही कम पानी पीती है या तो फिर यूरिन को बहुत देर तक दबाकर रखती है, ऐसी महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। जिन्हें किडनी स्टोन की समस्या है, उन्हें जल्द ही यूरिन इन्फेक्शन होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के यूरिन मार्ग की लंबाई बहुत ही छोटी होती है, जिस कारण पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को जल्द ही यूरिन इन्फेक्शन होता है। अधिक टाइट कपड़े पहनना और इंटीमेट एरिया को हाइजीन न रखने के कारण भी यूरिन इन्फेक्शन होता है। गंदे वॉशरूम का उपयोग करना या तो फिर गंदे कपड़े का उपयोग करना भी यूरिन इन्फेक्शन का कारण है। जो महिलाएं डायबिटीज की पेशेंट हैं, उन्हें ब्लड शुगर का उच्च चाप होने की वजह से ब्लैडर जल्द ही खाली नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में संक्रमण का खतरा रहता है। तो इस तरह से यह कुछ कारण है जिसके कारण यूरिन इन्फेक्शन होता है। तो चलिए आगे जानते हैं इसके लक्षण क्या क्या है। जब तक यूरिन इन्फेक्शन ब्लैडर तक रहता है, तब तक इन्फेक्शन के लक्षण कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। यूरिन पास आउट करते समय जलन होना या तो फिर यूरिन में ब्लड आना, पेट के निचले हिस्से एवं कमर में असहनीय दर्द होना, खुजली होना, बदबू आना, बार बार यूरिन लगना और यूरिन का कलर अधिक पीला होना, यूरिन का कम मात्रा में एवं थोड़ी थोड़ी देर बाद आना, प्रेशर महसूस करना लेकिन सही मात्रा में यूरिन का न आना। यूरिन इन्फेक्शन होने पर अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव और परहेज तथा सावधानी को अपनाने पर इस इन्फेक्शन के खतरे से कुछ हद तक बचा जा सकता है। चलिए जानते हैं इसके लिए आप क्या करें और कैसे इस इन्फेक्शन से बचें। अधिक से अधिक पानी पिए, सही समय पर यूरिन पास आउट करें, कभी भी दबाव ना बनाए, साफ कपड़े पहने, बॉडी को हाइजीन रखे और पीरियड के दौरान सैनिटरी पैड का ही इस्तेमाल करें। चलिए जानते हैं ऐसे कुछ चीजों के बारे में जिसका सेवन कर आप यूरिन इन्फेक्शन की रोकथाम कर सकते हैं। सबसे पहले है आंवला जूस। आंवला जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो यूरिन इन्फेक्शन के बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। दूसरा है एप्पल विनीगर। इसका सेवन यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से बनने वाले बैक्टीरिया को रोकता है। तीसरा है पानी। अगर आप यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से परेशान हैं, तो आप रोजाना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए तो आपको जल्द ही राहत मिले। चौथा है अनानास। अनानास में एंजाइम होता है, इसके अलावा इसमें सूजनरोधी गुण भी पाया जाता है। इसके सेवन से यूरिन इन्फेक्शन के लक्षणों को कम करने में मदद मिलता है। अगर आप चाहें तो डेली एक कप अनानास का सेवन कर सकते हैं, या तो फिर आप इसके जूस का भी उपयोग कर सकते हैं। पांचवा है ब्लूबेरी और क्रैनबेरी। इन बेरी में बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने के गुण होते हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में
ब्लूबेरी का सेवन कर सकते हैं। सुबह क्रैनबेरी जूस का सेवन कर सकते हैं। यह यूरिन इन्फेक्शन के इलाज में काफी मदद करता है। तो इस तरह से इन चीजों का सेवन कुछ हद तक यूरिन इन्फेक्शन के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। यूरिन इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर से मिलने में देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तुरंत ही यूरिन टेस्ट कराना चाहिए ताकि समस्या ज्यादा गंभीर ना हो। यह एक संक्रमण रोग है जो अन्य अंगों तक भी फैल सकता है और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो यह थी जानकारी आप लोगों के लिए यूरिन इन्फेक्शन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। मैं आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।